ओ जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। अपने इस वीडियो में योगी जी के मंत्री यादव समाज अहिर समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत समाचार का रिपोर्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी का इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें रिपोर्टर के द्वारा लक्ष्मी नारायण चौधरी से यह पूछा गया कि अखिलेश यादव बार बार छुट्टा जानवर को लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। योगी जी के मंत्री को चाहिए था कि इस समस्या के बारे में बात करें, इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो छुट्टा जानवर से वाकई बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आप लोग अपने गांव में जाते होंगे तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोग, गरीब किसान लोग छुट्टा जानवर से बुरी तरीके से परेशान हैं। और इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार के ऊपर तंज कसते रहते हैं, लेकिन योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस सवाल देने की बजाय पूरे अहिर जाति को टारगेट किया, उनके खिलाफ अपशब्द कहने का काम किया। आखिर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनको जवाब देंगे। अखिलेश यादव अपनी असलियत से भटक रहे हैं। अरे, अहिरों का काम ही जानवर पालना था, वो अपने पैतृक धंधे को ही भूल रहे हैं। गाय और भैंस पालना तो अहिरों का मुख्य काम था। चूंकि वो मंत्री के घर में पैदा हुए, मुख्यमंत्री के घर में बड़े हुए, आसमान से टपके हैं, इसलिए उन्हें बार बार वही बात याद आती है। उनको तो ये सोचना चाहिए कि उनके तो पूर्वजों का ये धंधा है। जिस नंद बाबा के वो वंशज बनते हैं, वो नंद बाबा के तो 9 लाख गाय थी। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, योगी जी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश यादव के पूर्वजों का काम जानवर पालना है, अहिर जाति का काम जानवर पालना है, अखिलेश यादव अपने पूर्वजों का धंधा भूल चुके हैं। इस तरह की बात उन्होंने पूरे अहिर समाज को लेकर कही है। जब से उन्होंने यह बयान दिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर यादव समाज के लोग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं इस नेता के बयान पर। अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से दी है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सबसे पहले इसको देखिए। अखिलेश यादव ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, उन शक्तिहीन बेबस मंत्रियों की व्यक्तिगत टिप्पणी का क्या जवाब देना, सरकार में जिनकी कोई गिनती तक नहीं है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि बेचारगी से त्रस्त ऐसे मंत्री जी को सन्मति दे भगवान। यदि अहंकार से मति भंग होने का उपचार होता तो हम उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते। तो ये जवाब अखिलेश यादव जी ने इस नेता के बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिया है। अब मैं नेताजी से ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी, अहिरों का काम जानवर पालना है, ये बात आपने एकदम ठीक कही है, इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। और हम इसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो गाय पालते हैं, हम जो पशु पालन करते हैं, उसी का दूध आपके बच्चे, इस देश की जनता पीती है। हो सकता है कि अब आप लोग मंत्री बन गए हैं तो आपके परिवार में लोगों ने पशु पालन करना छोड़ दिया होगा और कुत्ते या बिल्ली पालने लगे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी आपके परिवार के लोग उस कुत्ते और बिल्ली का मूत नहीं पीते होंगे। पीते होंगे तो वही अहिर जाति जो गाय पालती है उसी का दूध पीते होंगे। मंत्री जी, आपका बयान कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपने बयान दिया है इसके पीछे का जो भाव है वो सरासर गलत है। आपके बयान से प्रदर्शित हो रहा है कि आप एक जाति विशेष को सिर्फ एक ही कार्य तक सीमित रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में ब्राह्मणों का मुख्य काम भिक्षा मांगना होता था। ब्राह्मण जाति के लोग भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा बसर करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता है, समाज को शिक्षित करने का काम करती है।
इसीलिए वो अपने लिए कोई भी धन संरक्षित नहीं करती है, वो समाज के टुकड़ों पर पलती है। समाज उनके भरण पोषण का ख्याल रखता है। इसीलिए पहले के जमाने में जो ब्राह्मण जाति के लोग हुआ करते थे, वो लोग भिक्षाम देही कहकर लोगों के दरवाजों पर जाते थे, उनसे भीख मांगने का काम करते थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आज की डेट में जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं हम उन सभी को भिखारी कह दें, या ये फिर ये कह दें कि ब्राह्मण जाति का तो पेशा है भीख मांगना, जाए वो भीख मांगे। तो यहाँ पर जो भाव है वो सरासर गलत हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी जाति का मुख्य पेशा लोहा बनाने का है, जैसे कि लोहार जाति है, आज की डेट में यदि उस जाति को हम लोग सिर्फ उसी एक काम से जोड़ेंगे तो यह सरासर गलत होगा, क्योंकि आज की डेट में हर जाति अलग अलग प्रकार के काम कर रही है। यादव जाति के लोग पशुपालन भी करते हैं, तो अलग अलग व्यवसाय में भी हैं। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि अहिर जाति के लोगों का काम जानवर पालना था, ये आज के परिप्रेक्ष्य में सरासर गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जाट भी जानवर पालते हैं, गुजर भी जानवर पालते हैं, राजपूत भी जानवर पालते हैं, ब्राह्मण भी जानवर पालते हैं, तमाम अलग अलग जाति के लोग जानवर पालने का काम करते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो आर्य संस्कृति थी वो तो पशुपालन की ही संस्कृति थी। अरे परशुराम का सहस्त्रबाहु से युद्ध एक गाय के लिए ही तो हुआ था। हाँ, ये बात और है कि अब आप लोगों को मूत पीने का ज्यादा शौक हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यादव जाति के लोग आपके लिए मूत की व्यवस्था भी कर देंगे। आप हमारे यहाँ कभी भी आइए, सुबह सुबह जो गाय का शुद्ध देशी मूत होता है वो हम आपको पिलाने का काम करेंगे, और इसके लिए कोई चार्ज भी आप सभी लोगों से नहीं लिया जाएगा। ये बात भाजपा के अंधभक्तों और इन मंत्री जी के लिए मैं बोल रहा हूँ। मूत पिलाएंगे क्या अहिर? आज की डेट में भी आप सभी लोगों को, जितने भाजपा के अंधभक्त हैं, आप सभी लोगों को गाय का मूत पिलाने का काम कर ही रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव अहिर जाति से आते हैं, और पतंजलि गौमूत्र बेचने का काम करता है, और जितने भी भाजपा के अंधभक्त हैं गौमूत्र को बहुत ही शुद्ध मानते हैं, बहुत ही पवित्र मानते हैं, और पतंजलि के गौमूत्र का सेवन बहुत ही प्रेम से आनंद से करते हैं। यह कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आज भी अहिर जाति के लोग भाजपा के अंधभक्तों को मूत पिलाने का काम कर रहे हैं। अहिर जाति का तो इतिहास रहा है, वो गाय भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं, और समय आने पर युद्ध भी करते हैं। अरे महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने पशुपालन भी किया, लेकिन उनसे बड़ा कोई राजनीतिक गुरु भी उस वक्त नहीं था। तो यादव समाज दोनों काम बड़ी बखूबी से करते हैं। बाकी आप सभी लोग इस मंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।